अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। भावना कुठले ही समाजाच्या धर्माच्या दुखावल्या जाणार नाही, याची नागरिकांनी दखल घ्यावी। कुठलेही मेसेज फॉरवर्ड करू नये, व्हायरल करू नये। तसेच काही आक्षेपार्ह बाब आपल्या सोशल मीडियावर आढळून आल्यास आपण त्वरित जवळच्या पोलिसांना ती माहिती द्यावी किंवा सायबर सेलला तक्रार द्यावी। पण आपल्याकडून कुठलाही वाईट आक्षेपार्ह मेसेज हा व्हायरल होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घेणं गरजेचं आहे। अकोल्यामध्ये सामाजिक एकोपा टिकवण्यासाठी सर्वांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये। जवळच्या पोलिसांना येणाऱ्या अफवांबद्दल लगेच तक्रार नोंदवावी असे आवाहन अकोला पोलीस आपल्या सर्वांस करीत आहे। कावड़वा पालकी उत्सव को देखते हुए अकोला पुलिस द्वारा पुराना शहर के भानपुरा चौक से रूट मार्च निकाला गया। ये रूट मार्च अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जोशीधर के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, एसडीपीओ दूधगांवकर की उपस्थिति में निकाला गया। आपको बता दें कि 22 अगस्त के सोमवार को अकोला के राजराजेश्वर मंदिर में शिव भक्तों द्वारा पूर्णा नदी से जल लाकर जल अभिषेक किया जाएगा। इस बार श्रावण माह के चौथे सोमवार को कावड़वा पालकी उत्सव का आयोजन किया गया है। विगत दो वर्षों से कावड़ उत्सव कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद रखा गया था। अब वो दो साल के बाद बड़े उत्साह के साथ शिव भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके चलते कानून व्यवस्था कायम रहने हेतु जिला पुलिस सतर्क है। इसी को लेकर रूट मार्च निकाला गया। ये रूट मार्च भानपुरा चौक से होते हुए जयहिंद चौक, बड़ा पुल, सिटी कोतवाली, तिलक रोड आदि परिसरों से गुजरा। इस वक्त जिला पुलिस अधीक्षक की खास उपस्थिति थी। शहर में कानून व व्यवस्था कायम रहे और शांतिपूर्वक इस उत्सव को नागरिकों से मनाने तथा पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। नागरिक कानून व्यवस्था का पालन करते हुए कावड़ व पालकी उत्सव में शामिल हो, ऐसी अपील जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा की गई। इस वक्त पुलिस स्टेशनों के थानेदार, कर्मचारी, आरसीपी के जवान आदि की उपस्थिति थी। अकोला 24 न्यूज के लिए सईद खान के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। देखिए, अकोला शहर में आने वाला श्रावण सोमवार आखिरी महीना है। जिस तरीके से हर त्यौहार सर्वधर्म सम्मान के त्यौहार शुरू है और पुलिस स्टेशन कितना तैनात किया गया, एसपी साहब से पूछते हैं हम कि बंदोबस्त किस तरीके से लगाया गया। 22 तारीख को श्रावण का चौथा सोमवार है, उसमें अकोला जिला पुलिस के व्यतिरिक्त एसआरपीएफ का एक कंपनी, 600 पुरुष होमगार्ड, 100 महिला होमगार्ड और बाकी अमरावती ग्रामीण, बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम वहाँ से 250 कर्मचारी, ऐसे इतने बड़ा फोर्स हम अकोला सिटी कावड़ के लिए हम लगा रहे हैं। अभी आज रूट मार्च हमने लिया, उसमें भी बहुत सारे लोग अपने सारे बंदोबस्त शामिल है। तो नागरिक का आह्वान है, कावड़ उत्सव दो साल के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सारे प्रकार का कोऑपरेशन पुलिस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट को आप लोग दीजिए। एंड कोई भी प्रकार का डीजे का वापर करने का नहीं। एंड कावड़ के वक्त कोई चीज़ कुछ जरूर नहीं है, जैसे दारू का बॉटल है, बाकी कुछ हथियार है, उस प्रकार का चीज़ साथ में कैरी मत करिए। हर जगह पे हम लगभग 4 जगह पे हमने नाकाबंदी पॉइंट लगाया, चेकिंग होगा और कोई ऐसे अवैध वस्तु मिला उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा एंड कार्रवाई होगी। प्रशासन के आदेश उसी नियम के तौर पर यहाँ पर त्यौहार मनाना चाहिए और गैर कानूनी को जो काम होगा उस पर कार्रवाई से पक्ष नहीं जाएगा। और एसपी साहब ने यहाँ पे किस तरीके का बंदोबस्त तैनात किया है, अकोला 24 न्यूज से कहा है। कैमरामैन सईद खान के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट।